हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनाक्षी फुलारा हूँ, चीफ फिजियोथेरेपिस्ट आकाश हेल्थ केयर, फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे होम केयर फिजियोथेरेपी सर्विसेज के बारे में। किन लोगों को होम केयर फिजियोथेरेपी सर्विसेज की नीड हो सकती है? मानो आपका कोई सर्जरी हुआ है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट या कोई लिगामेंट सर्जरी या कोई और ऑर्थोपेडिक सर्जरी जिसमें पेशेंट चल के हॉस्पिटल नहीं आ सकता, या उसको कम ही चलना है और घर पे चलना है और प्रॉपर चलने की ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि पहले सही तरीके से चलना और उसको सीखना ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। इन केसेस में एक हमारी डेडिकेटेड होम फिजियोथेरेपी टीम है जो आपके घर पे आएगी, आपके पेशेंट को असेस करेगी और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, उनके केस के अकॉर्डिंगली उनको ट्रेन करेगी। फिर बात करते हैं हम न्यूरो रिहैबिलिटेशन। हम न्यूरो रिहैबिलिटेशन होम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मानो कोई पेशेंट स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, या उसके हाथ एक साइड की बॉडी पे पैरालिसिस आ गया है, या उसकी एक साइड की बॉडी कमज़ोर हो गई है, उसको घर में ही अगर हमें व्हीलचेयर ट्रेनिंग देनी है, आपके पास अगर अपनी व्हीलचेयर रहती है, या मानो ओल्ड एज पेशेंट्स, बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज में ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं या उनको दर्द होती है और कभी कभी वो बेड रिडन हो जाते हैं, या उसके अलावा बैलेंस की प्रॉब्लम, फॉल ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा चलने फिरने से डरते हैं, हम उन पेशेंट्स का भी एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल के साथ, डेडिकेटेड टीम के साथ घर पे ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान करवाते हैं। या फिर हम बात करें, मानो आपको एकदम से सिवियर पेन आ गया, बैक स्पाज़म आ गया, नेक में पेन आ गया, या किसी और जोड़ में दर्द आ गया जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हैं, तो उस वक्त भी हम घर पर फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपके दर्द को थोड़ा सा मैनेज किया जा सके और आप फिर हॉस्पिटल आके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर सके। सो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने, हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो जिस पेशेंट्स को देखेगी, असेस करेगी एंड उनके नीड्स के अनुसार उनका ट्रीटमेंट, उनकी कंडीशन के अनुसार उनका ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। थैंक यू सो मच।